बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माई क्रिएशन। आज की इस वीडियो में आपको पैनल कटिंग फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ, जिसके फ्रंट पर एम्ब्रॉयडरी है। ये मैं बिल्कुल सीधे दरमियान के पैनल निकालूंगी, फिर इसमें से साइड वाले पीसों में से साइड के पैनल बनाऊंगी इस तरीके से। अब ये मैं पैनल दरमियान के अलग करने लगी हूँ। देखें, ये मैंने पैनल दरमियान की अलग कटिंग कर ली है और ये साइड के पैनल कटिंग करूँगी। लेंथ है 41 इंच। 41 इंच लेंथ लेनी है और ये दरमियान के पैनल की विड्थ है 6 इंच। अब जो साइड के पैनल लेने हैं, ये ऊपर से लेना है 2 इंच ये 2 इंच हमने लेना है 14 इंच तक। अच्छा, नीचे से लेनी है हमने ये पैनल 10 इंच। इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये जो रेप की साइड है, ये रेप की साइड हम लगाएंगे साइड, और फिर ये इस साइड लगाएंगे। ये नीचे से भी पैनल की कटिंग हल्की सी। ये उरेप की साइड, ये सीधी साइड लगेगी और इसी तरीके से ये उरेप मुझे भी सही करनी है। ये उरेप इस सीधी साइड स्टिच होगी। अब हम लेंगे शोल्डर का साइज, शोल्डर का हम लेंगे 8 इंच। ये स्टिचिंग के बाद अगर कम ज्यादा हो जाता है, अगर ज्यादा हो जाता है तो हम बाद में भी कटिंग कर लेते हैं।
लेंथ लेंगे 7 इंच, चेस्ट लेंगे 12 इंच, ये आर्म होल की कटिंग करने के बाद इसी की फिटिंग हम ज्यादा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल ढीला ढाला फ्रॉक बनाना है और इसको नीचे से थोड़ा सा एयरलाइन इस तरीके से कर देंगे। अब मैं आपको इसकी कटिंग कर दिखाती हूँ। पैनल की कटिंग भी हम इस तरीके से कर देंगे और ये खूब ज्यादा से घूम बन जाएंगे इस फ्रॉक के। इस तरीके से ये दरमियान का पैनल बिल्कुल सीधा है, फिर ये उरेब है, ये साइड सीधी है, फिर ये उरेब है। ये ध्यान दें कि उरेब को हम सीधी पैनल के साथ लगाएंगे। ये इस तरीके से ये कटिंग हो गई। देखें कटिंग कितनी आसान और खूबसूरत ये फ्रॉक तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं हमें। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ लेंगे 20 इंच, विड्थ लेंगे 8 इंच, आगे से लेंगे 6 इंच, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर टच करें। ये सीरीज की कटिंग मुकम्मल हो गई। ये दरमियान का निशान लगाएंगे। ये फ्रॉक बनने के बाद आपको मैं दिखाऊंगी, ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक बनेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर टच करें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।